लास्ट क्लास में जो है हमने डिस्कस किया था आपका स्पेशलाइज्ड 2D प्लॉट्स हमारे, और उसमें हमने सबसे पहले देखा था आपका लॉग वाला, फिर हमने किया था आपका पोलर वाला, फिर आपका एरिया प्लॉट, फिर बार प्लॉट, और फिर आपका रोज प्लॉट हो गया था, फिर आपका पाई प्लॉट देखा था हमने, फिर आपका स्टेट्स देखा था हमने, फिर आपका स्टीम देखा था हमने, और आज हमारे पास आपका 3D प्लॉट्स। 3D प्लॉट्स बेसिकली 2D और 3D, थ्री डायमेंशन हमारे पास आएंगे, एक्स वाई जेड तीन हम लेंगे लाइनें, और यहाँ पे जो है कुछ जो कमांड हमारे पास है वो पहली जैसे ही है, उसमें थोड़ा आपका इम्प्रूवमेंट है। अब जो हमारे पास पहला प्लॉट करता आए थे वो यहाँ पे प्लॉट 3 हो जाएगा, बार जो आपने नॉर्मली किया था यहाँ पे बार 3, और वहां पे एक चीज रह गई थी बार एच, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। बार 3H हमारा हो जाएगा, पाई जो आपका था वो पाई 3 यहाँ पे आ गया, और जो दो मेन हमारे प्लॉट्स जो हैं, जो बेसिक तौर पे आपको दिखते हैं कि ये 3D प्लॉट्स है, एक्चुअल 3D प्लॉट्स जिसको बोलते हैं, वो हमारे सरफेस और मैश दो हमारे पास है, वो लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप इनको नोट डाउन कर लो जो लिखे हुए हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस ओपन करते हैं और फिर देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो मिलेगा आपको प्लॉट 3 के लिए। प्लॉट 3 में कैसे प्लॉट करते हैं? ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखो, प्लॉट 3 हमारा हो गया, यहाँ पे प्लॉट 3 आपका, अब बेसिकली इसको एक्स वाई जेड भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, और स्टाइल ऑप्शन, ठीक है, जो हम पहले भी यूज करते रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आपका कि आपका दो बेसिकली आप कह सकते हो कि या एक्स जो है वाई और टी जो है एक्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, या आप दोनों को आपका टी भी बना सकते हो, तो बेसिक पार्ट एक हम देखेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा और समझ आएगा कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, न्यू फाइल वाला, और यहाँ पे हम जो है आपका 3D प्लॉट्स देखेंगे, तो फाइल को नेम जो है वो आप 3D प्लॉट मत देना, ठीक है, फाइल 30 हमारा था ये, मतलब आज की डेट का फाइल, और ये आप डॉक्यूमेंट में जा करके और इसको सेव कर दो, है ना। ये तुम्हारी फाइल सेव होगी, और उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया आपका एक्स इक्वल टू, हमारे पास आपका टी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद हमारा है आपका y इक्वल टू 40, और फिर हमारा है t जो है आपका वेरी करता है आपका -4 to 4, ठीक है, ये डेटा हमारे पास हो गया। अब इस डेटा का आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो पहले आप लोग ट्राई करो, पहले आपको x को डिफाइन करना है, फिर y को डिफाइन करना है, फिर t को डिफाइन करना है, और बाकी कमांड आपके पास है, प्लॉट 3 हमारे पास हो गया, एक्स वाई देन टी, ठीक है, तो बनाओ, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला आपका वही काम था, पहले अभी यहाँ पे पहले टी को डिफाइन करो, ठीक है, क्योंकि जब पहले लाइन आपके एग्जीक्यूट होगी फिर बाकी आपकी लाइन और एग्जीक्यूट होगी, तो लेट से -4 हमने कर दिया, उसके बाद आपका वही आपको सैम्पलिंग टाइप लेने हैं मैट्रिक्स के लिए, ये हो गया आपका एक्स हमारा जो है वो हो गया आपका टी स्क्वायर, तो टी डॉट, और ये हमारा हो गया, फिर हमारे वाई की बारी, तो वाई कोट हमारा कितना हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई विथ टी, है ना, अगर ये किया होगा आपने, फिर आपको होगा सीधा सीधा प्लॉट 3 हमारे पास हो गया, और ब्रैकेट हमारा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका एक्स वाई देन टी, ये हो गया। यहाँ पे जो आप जो है आपका एक तो ग्रिड जो है आपका वो आप ऑन कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप एक्स लेवल इस पे लगा सकते हो, वाई लेवल इस पे लगा सकते हो, टाइटल इस पे लगा सकते हो, ठीक है, ये वगैरह वगैरह, तो ये आप चला सकते हो, बस ये प्रोग्राम बन गया आपका, और इसको रन कर देते हैं। इस टाइप का एक ग्राफ जो है वो बन के आएगा, ठीक है, तो ये पार्ट जो हमारा है वो है आपका, अब इसको देखो मूव अप मूव भी करा सकते हो इसमें ना, ये मतलब
ये पता नहीं कहाँ रहे हो, इसमें एक हैंड पे आता है ऑपरेशन के लिए, इसको मूव करा सकते हो। तो 3D आ गया, 3D में देखेंगे। ये देखो ये आ गया आपका, तो यहाँ पे आप इसको मूव भी करा सकते हो पैनल को, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये है, बाकी सेव करने मैंने आपको बताया है, फाइल में जाना है आपने, ठीक है, सेव एज पे आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन करोगे, वैसे बाय डिफॉल्ट .fig में होता है, ठीक है, और आप चाहते हो उसको जेपीजी में करना है तो यहाँ पे क्लिक करके और .jpg वाला, ठीक है, तो बस उसको सेव कर दो, आपका काम हो जाएगा। ये तो हमारा नॉर्मल 3D वाला, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका बार 3 वाला, और बार ग्राफ जो है वो हम देख चुके हैं पहले ही, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और बार हमारा है बार 3H, हमारा दो हमारे पास है। बार वाले केस में भी आपका यहाँ पे एक्स वाई जेड हम तीनों ही देख के केस में करते हैं ताकि आपका जो है वो क्लियर रहेगा। तो बार के लिए आपको बार 3H के लिए, बार और बार 3H में डिफरेंस इतना है, बार में नॉर्मली आपके जो बार हैं वो आपके स्ट्रेट रहते हैं, ठीक है, वर्टिकली बेसिकली, और H में वो हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे, सेम ही रहेगा पर हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन करके। तो क्वेश्चन हमारे पास आपका है, बार 3 हमारा है, ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारे पास क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये डेटा कोई हमने ले जा, रैंडम डेटा है आपका, और इसी टाइप से वाई जो है वो है आपका, ठीक है, लेट से आपका 4 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, और आपका 19 हो गया, 30 हो गया, और आपका 25 हो गया, और आपका 18 हो गया, और डेटा। अब एक और चीज, डेटा जब भी आप ऐसे टाइप करो तो उसको देखो कि सेम लेंथ में है या नहीं है वो, क्योंकि वेक्टर इन सेम लेंथ वाला बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपका, तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हमारे पास एलिमेंट है, और यहाँ कितने एलिमेंट है आपके, 3 और 6 है, 7, तो टोटल 7 7 एलिमेंट हमारे पास हो गए, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपका बार वाले पार्ट में। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अभी हम सब क्या करते हैं, बार 3 का एक प्लॉट बनाते हैं एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है, बाकी आपको स्टाइल ऑप्शन में कलर पता ही उसका। तो बार हमारे हो गया 3, ब्रैकेट अब ले लेते हैं, ठीक है, और पहले यहाँ पे एक्स और वाई को डिफाइन करते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा, ये हो गया, उसके बाद आपका बार 3 हमारा हो गया आपका एक्स वर्सेस वाई, ठीक है, ये नॉर्मल हमने बना दिया। अब इसको रन करके देखेंगे, ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बना आपका, ठीक। देखो तो अगर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, इसका मतलब ये कौन सा एक्सेस होगी, जेड एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेड हमारा वैल्यू होता है वो क्या करता है आपका, कि वो हर एक केस में आपको बनेगा और उसको क्या करता है आपका, और एक्सपेंड कर देगा, ठीक है। अगर मैं जेड यहाँ पे नॉर्मली आपको थोड़ा और क्लियर करने को लिखता हूँ, तो जेड इक्वल टू लेट से हमने 1 लिख दिया, ठीक है, अभी के लिए, और अब यहाँ पे आपका एक्स वाई और जेड कर दो। तो देखो जो हमारा डेटा है, जो अभी बार हमारे हैं उनका जो ओवरलैप हो गया थोड़ा सा, ठीक है, मतलब बहुत काफी सारे करीब आ गए। अब इसी को अभी हमने खाली 1 रखा था, अब मैं इसको रखता हूं आपका रेड से 3, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बार आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, इसीलिए जो जेड है वो यहाँ पे यूज नहीं होता। देखो बार आपस में ओवरलैप हो, क्योंकि अगर वो एक जेड डायरेक्शन में बढ़ा होगा तो जेड डायरेक्शन बढ़ने के बाद वो आपका एक्सपेंड हो गया, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 वैल्यू हमारे पास है, इसीलिए वो आपका ओवरलैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम जेड को जो है आपका वो नहीं रखते, मतलब ना के बराबर 0, आप समझो उसको 0 तो नहीं रखना आपने, पर बेसिकली आपको रखना ही नहीं है, ठीक है, 1 रख सकते हो। तो वो केस जो आपका वो ओवरलैपिंग केस हो जाता है, इसीलिए बार 3 आपको नॉर्मली हो गया। अब बार 3 और बार 3H में क्या डिफरेंस है, देखो बार हमारा इस टाइप से वर्टिकली बेसिकली कह सकते हो बार बने। अब इसी में अगर मैं बार 3H लगा देता हूँ, ठीक है, इसी को हम ओवर कर देते हैं, और एक क्वेश्चन इसको दोनों देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका क्लियर है, और जो हमने पढ़ा था सब प्लॉट्स, ठीक है,
सबप्लॉट हमारा हो गया 1,2,1, ये हमारा हो गया। और इसी में जो है वो हम इसको, ठीक है, यहां पे हमारा हो गया पर टू, ठीक है, सॉरी, और यहां पे हमारा हो गया bar 3h, ठीक है, और इसको करते हैं रन। तो देखो ये डिफरेंस हमारे पास है, ये नॉर्मल बार हमारा है फर्स्ट पोजीशन पे, और ये आपका bar 3h, h वाला मतलब हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है, बस ये डिफरेंस है, ये लास्ट उसमें रह गया था बताना। तो यहाँ पे अब आपको जिस टाइप से ग्राफ बनाने हो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो था आपका बार और bar 3h वाला, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको खुद से कर रहा हूँ, ठीक है, खुद से करना। एक काम करो, कल हमने बार का एक क्वेश्चन किया था आपके खुद के परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, तो ईयरली वाइज आप परसेंटेज निकालो 3-4 साल की और या सेमेस्टर के हिसाब से, उसके बाद उसको उसमें बना दो उसको, ठीक है, बार ग्राफ में, फिर देखते हैं। तो इसको जो है वो आप, ये तो आप निकल जाएगा, वैसे मैं बता देता हूँ फिर भी। तो आपने जैसे यहाँ पे वो ईयर लिख दिया, वाई इक्वल टू आपने डेटा डिफाइन कर दिया है ना, और ये डेटा आपके पास है, मैट्रिक्स टाइप बनानी है इसमें कुल मिला करके, मैट्रिक्स बना लिया आपने, और कॉम स्पेशली आपको कॉमास और उसका ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा हमारा था आपका ग्रोथ, तो जी इक्वल टू हमारा क्या परसेंट हम बना लेंगे आपका, तो आपका अगर 12 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया आपका, 9 हो गया आपका, 7.5 हमारा हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है ये। और आपका उसके बाद सीधा bar 3 और आपका हो गया वाई, अब देखो वाई जी कर वाई कॉमा जी हमारा हो गया, ठीक है ये बस। अब इसको कर दो रन, तो इस टाइप का ग्राफ मिल गया आपको, ईयर भी डिफाइंड हो गया यहाँ पे और आपका दूसरा जो है वो डिफाइंड हो गया आपका डेट और जो भी इसकी मतलब इंक्रीमेंट था, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। अब एक और चीज जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अगर 3-4 डेटा जो है वो मेरी, 3 डेटा लेट से 4 डेटा हम एक साथ लेके आते हैं कैसे लेके आएंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं उसको, ठीक है, जहां फर्क नहीं है बस थोड़ा सा लिखने का फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है। लेट एक टेम्परेचर हमारा है सिटी के टेम्प के हिसाब से टेम्परेचर हमारा है, ठीक है, और लेट से 3 सिटी हमारे पास है, ए बी सी, ठीक है, तो सिटी ए हमारे पास है सिटी ए में हमारा जो टेम्परेचर है वो मंथ के हिसाब से आप मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सितंबर में हमारा था आपका 31, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में इसको ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डेटा इस टाइप से बनाना पड़ेगा है ना, और उसके बाद हमारा था आपका अक्टूबर हमारा था 29, ठीक है, उसके बाद हमारा था आपका नवंबर में हमारा था आपका 28, दिसंबर में हमारा था आपका 25, और जो आपका था जनवरी में आपका था आपका 24, आपका फेब में था आपका 23। ये एक सिटी का डेटा हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं, आपको दूसरी सिटी का डेटा जो वो भी लेके आते हैं इसी टाइप से। अब यहाँ पे हम क्या करें, तीनों सिटी में पर मंथ मतलब मंथ में आपका सितंबर में, अक्टूबर में आपका, नवंबर में, दिसंबर में, किस में हमारे पास किस टाइप का टेम्परेचर था, कितना वेरिएशन था, वो हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। और तो सिटी ए हमारा हो गया, सिटी बी हमारे पास है और सिटी सी हमारे पास है, ठीक है, और डेटा अब यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है आपका लेट से 29, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है लेट से 25, ठीक है, और ये लेट से हमारा हो गया 26, ये लेट से हमारा हो गया 23, और यहाँ पे हमारा हो गया लेट से 26, 20 है, और जैन में आप सिमिलर रख लो, कोई इशू नहीं है, और लेट्स सी यहाँ पे हो गया,
ठीक है, ये थोड़ा हमने वेरिएशन कर दिया और ताकि आपको लगे किस में कौन सा वाला है। तो ये बेसिकली हमारा होगा, तीन सिटीज का डेटा हमारे पास है और इसमें हमने चेक करना है, कंपेयर करना है आपस में कुल मिलाकर के। अब ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास है, अब आप क्या करोगे, आपने एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से टी ले लिया, ठीक है, टेम्परेचर के लिए, और इक्वल टू, अब जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स हमारे बनेगी कैसे करके, आपका यहाँ पे मतलब सेप्टेम्बर मंथ में तीनों का डेटा आ जाएगा, अक्टूबर में भी तीनों का डेटा, फिर आपका नवंबर में तीनों का डेटा, फिर दिसंबर में, जैन में, और आपका फेब में, इस टाइप से, ठीक है। तो सितंबर में कितना हमारे पास है, 31 हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा है 29, फिर हमारा आपका 25, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर ये एक रो हमारी कंप्लीट, फिर कॉलम में आते हैं, अगले वाले कॉलम पे, अगले वाले कॉलम का डेटा हमारे पास कितना है वो आप यहाँ से देख सकते हो ना, मतलब आपको थोड़ा टाइप करना पड़ेगा। 29 हमारा हो गया, 26 हमारा हो गया, और आपका 23 हमारा हो गया, फिर से एक कंप्लीट, फिर नवंबर में हम आते हैं, लेट्स से 28 हमारा है, फिर आपका 26 हो गया, और फिर हमारा आपका है 20, ठीक है। और फिर नेक्स्ट के लिए दिसंबर 25, 24, देन 25, 24, 24, 24, देन 23, 20 एंड 19। अब इसको हम रीचेक जरूर कर लेते हैं, आपका फैब का ही होगा, जैन का डेटा हमारे पास ये है, दिसंबर का हमारे पास ये है, नवंबर का ये है, और अक्टूबर का ये है, और सितंबर का ये है, तो तीनों डेटा हमारे पास आ गए। अब इसके बाद जो है वो क्या करेंगे हम, अब आपको नॉर्मली अब प्लॉट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए आपके पास सीधा हो गया बार, और इसको बना दो आपका बार टेम्परेचर, आपने इसको लिख दिया बेसिकली, ठीक है। और अब इसके लिए हमारा बार आप करोगे, ठीक है, बार आपने टी हम बेसिकली ले लिया। अब होगा क्या, जैसे मैं इसको प्लॉट करता हूँ, तो डेटा जो आपका है वो देखो, इसमें एक कमांड देखो, ये आ गया डेटा आपका बेसिकली, ठीक है, इस टाइप से डेटा। अब यहाँ पे आपको अगर किसी के उसमें लिखना है कि कंपैरिजन पार्ट में, तो वो भी हम देख सकते हैं, अभी तो हम इसको खाली नॉर्मली ले रहे हैं। इसमें आप जो है वो आपका लेबल, जो कमांड आपका लेबल तो नहीं, इसमें इसमें लिगेंड कमांड बेसिकली लगा सकते हो, कलर्स में डिफाइंड हो जाएगा कि ब्लू कलर का कौन सी सिटी का डेटा है और आपका दूसरा कौन सा सिटी का डेटा है, उस हिसाब से। तो आप बता सकते हो कि अगर ये सिटी हमारी सिटी वन है ना, और इसमें से आपका जो सिटी ए थी उसका सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था, ठीक है, और सेप्टेम्बर वाले पार्ट में, ठीक है, तो वो भी हम लेके आ सकते हैं। तो अभी इसको एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं उसके लिए देखता हूँ बाकी। जो ये तो था नॉर्मली आपका ग्राफ, कि बिना ग्राफ के आपका मतलब बिना डेटा के कैसा ग्राफ बनेगा, इस टाइप से, ठीक है। और अगर हमको इसमें नेम या जैसे हम यहाँ पे ये फर्स्ट आ रहा था, तो ये था आपका उसका अक्टूबर का, नहीं सितंबर का, है ना। तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है, तो जो पहले कमांड हमें पड़ी थी वैसे ही लेवल टाइप का, तो आपका यहाँ पे हमने एक वो ले लिया डेटा नेम हमारा, नेम्स, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये हमारा हो गया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे कमांड हमारी ये थी सेट, ठीक है। आपका एक्स टिक लेबल, अब यहाँ पे एक्स और वाई दो हमारे पास लेबल्स होते हैं, जैसे वहां पे एक्स लेबल वाई लेबल करते हैं, तो यहाँ पे आपका टिक लेबल एक वो है, तो इस फंक्शन का आपको यूज करना है, और आपका लास्ट में जो नेम आपने लिखे हैं वो वाले। अब यहाँ पे ये यह हो गया, इसके बाद इसको रन करो, तो जो डेटा हमारा है देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये डेटा हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये आपका हो गया आपका मंथ वर्सेस हमारा हो गया ये वाला टेम्परेचर इन। अब देखो यहाँ पे आप जो है एक्स लेबल वाई लेबल भी लगा सकते हो, आपको एक्स लेबल और वाई लेबल भी इसमें दिखाना है कि क्या है, तो इसी में कर लो थोड़ा सा एक और यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, तो वाई लेवल हमने शो कर दिया आपका टेम्परेचर इन आपका सेल्सियस, और उसके बाद आपका एक्स लेवल के लिए आपका, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया आपका कि मंथ जो है वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं आपका फ्रॉम सेप्टेम्बर टू फेब, बस ये हो गया आपका।
और इसके टाइटल भी आप चाहो तो देख सकते हो इसमें, ठीक है। और इसको रन करते हैं, जब ग्राफ आपका है कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये बैकग्राउंड में आ गया है ये वाला, ठीक है। टेम्परेचर इन सेल्सियस ये हमारा हो गया, मंथ फ्रॉम सेप्टेम्बर टू फेब, और ये आपका पूरा डेटा। और एक और चीज यहाँ पे टाइटल अगर आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ आपका इस टाइप से बन जाएगा। ये क्वेश्चन इसमें हमने सॉर्ट आउट कर दिया इसको। अब नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और टॉपिक का नेम हमारा है पाई थ्री, ठीक है। पाई थ्री जो है वो भी एज सिमिलर एज पाई की तरह काम करेगा, बस वहां पे जो ग्राफ आपको मिलता था वो 2D में था, यहाँ पे वो थोड़ा सा आपका टेंडर पे 3D में आएगा। बाकी जो फंक्शन है, अगर आपका सिंगल वैल्यू है तो पाई एक्स हमारा हो गया, और पाई थ्री के वाला भी आपको कॉन्सेप्ट याद होगा कि हमने स्लाइसेस निकालने हैं तो वो भी है, और लेवल्स भी हमारा है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बस आपको जहां पे आपने पाई लिखा था वहां पे आपको 3 करना है, ठीक है। अब एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और फिर देखेंगे, ठीक। और हम जो है इसको फाइल में हम लिख देते हैं आपका कि पाई 3, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आपका है, अभी आपको करना है कि मैं डेटा दो डेटा दे रहा हूँ, एक आपका है प्रोफेशन जो मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं उसमें, दो हमारे पास हो गया। तो ये मैं आपको डेटा लिख के दे रहा हूँ, आपको इसको बनाना है। ठीक है, तो आपका मैनेजर हो गया, और आपका इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गया, डिजाइनर हो गया, डॉक्टर हो गया, और आपका आर्किटेक्ट हो गया, ठीक है। ये प्रोफेशन है, और नंबर ऑफ टोटल पर्सन है कितने इसमें, ठीक है। तो ठीक है, तो जो मैनेजर है वो आपके 13, इंजीनियर आपके 15, प्रोफेसर आपके जो है वो आपके 12, डिजाइनर जो आपके हैं 10, डॉक्टर आपके 8, और आपका आर्किटेक्ट आपके 11। तो ये आपका डेटा हो गया। अब इस डेटा के बिहार पे हम बनाएंगे आपका प्लॉट पाई की हेल्प से, और उसमें जो है आपका एक तो आपको नॉर्मली प्लॉट बनाना है, ठीक है, जैसे मतलब नॉर्मली पाई चार्ट बनाना है, और उसके बाद उसमें लेबलिंग भी करनी है। तो लेबलिंग कमांड हम कल देख चुके हैं पहले ही, वो भी आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये हम अगर इसको बनाते हैं नॉर्मल, हमने पी एक वो ले लिया वेरिएबल, और उसमें आपका लेवल्स वाला सारा स्टोर कर दिया, फिर एन है जो डेटा हमारे पास कि नंबर ऑफ पर्सन्स है ना, वो ही हमने एक वेरिएबल में ले लिया पाई, और उसके बाद एन और पी, ठीक है। बस अब इसको हम रन करते हैं, अगर तो रन करने के बाद हमको मिल गया डेटा आपका पाई 3 वाले पार्ट में, ठीक है, कुछ इस टाइप का प्लॉट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्लाइसेस की बात कर रहा था कि हम प्रोफेशनल वाले पार्ट को और आर्किटेक्ट वाले पार्ट को एज स्लाइसेस में ले लेते हैं, ठीक है। तो एक नया वेरिएबल आप ले लो इसमें, ठीक है, और के ही लेते हैं इक्वल टू ब्रैकेट। तो हमारा फर्स्ट मैनेजर है, इसमें भी हमारा 0 आएगा, और यहाँ भी आपका 0 हो गया, 1 हो गया आपका, अगेन 0, अगेन 0, एंड देन 1, ठीक है। ये हमने डेटा ले लिया, जिस वाले पार्ट को हमको लेके आना है उसको हमने 1 कर दिया, बाकी 0 रह गए, ठीक है। और बाकी यहां पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, एन देन के देन पी। अब इसको रन कर देते हैं, देखो आगे आपका थोड़ा सा लाइसेंस वाला पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। तो ये जो है आपका ये बन गया आपका पाई 3 वाला ग्राफ, और हमने डेटा भी देख लिया, और इसका लेबलिंग भी कर लिया हमने, और स्लाइसेस भी कर लिए। तो ये तीनों पार्ट हमारा है। अब इसके बाद जो है हमारा वो है आपका 3D वाले प्लॉट्स में, और उसमें आपका है मैश और आपका
सरफेस वाला, तो दो हमारे पास है, दोनों करेंगे हम अभी। नेक्स्ट हम जो है आपका, अब 3D प्लॉट्स में आएंगे, तो 3D प्लॉट्स में मैस, अभी जो हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में आपका सरफेस और मैस वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट जो है वो एक ग्रिड होता है हमारा, अब इसको जरा ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपका क्लियर रहा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे ताकि आपका जो डेटा है वो आपको क्लियर रहे। तो नॉर्मली ग्राफ हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला आपका -5 to 5 देन y इक्वल टू -5 to 5 और z इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x² + y² + 1, ठीक है। ये डेटा हमारे पास हो गया। अब जब भी हमारे पास मैथ ग्रिड या फिर आपका सरफेस की हम बात करते हैं, इन दो प्लॉट्स के लिए बेसिकली, तो वहां पे हमारा सबसे पहला काम है आपका डेटा का ग्रिड बनाना, ठीक है। और उस ग्रिड को हम कहते हैं आपका मैथ ग्रिड, ठीक है। अब मैथ ग्रिड के लिए हमारे पास कमांड आपकी है मैथ ग्रिड और बाकी डेटा। अब ये मैं आपको कमांड दिखा देता हूं, तो सबसे पहले आप कमांड नोट डाउन करो, ठीक है, कि क्या कमांड इसकी है। ये वाला यहाँ पे हमारा रहेगा आपका मैथ ग्रिड और हम 3D ग्रिड बनाएंगे, तो आपका एक्स और वाई डिफाइंड हो गया इक्वल टू मैथ ग्रिड, एक्स बिगिनिंग, एक्स इंक्रीमेंट, एक्स एंडिंग, ये क्या है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इसको, वाई बिगिनिंग, वाई इंक्रीमेंट और वाई का वाई एंडिंग, ये तीनों हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे अब इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, नॉर्मली कमांड है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पहला काम आपका ग्रिड बनाना, तो ग्रिड बनाने के लिए क्या है आपका कि अब यहाँ पे ना आपको x डिफाइन करना है ना आपको y डिफाइन करना है, ठीक है। टास्क आपका, प्राइमरी टास्क आपका x कॉम्पोनेंट तो कर लो सर, एक मिनट, ठीक है। तो पहला काम आपका एक्स वाई इक्वल टू, फिर हमारा है मैथ ग्रिड बनाना आपने, तो मैथ ग्रिड के लिए हमारे पास कमांड क्या थी आपकी, मैथ ग्रिड ब्रैकेट हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहां पे हमारा जो है वो सबसे पहला आपका है x बिगिनिंग, x इंक्रीमेंट और आपका x एंडिंग। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जहां पे हम क्या करते थे, जब आपको x डिफाइन करना होता था तो x इक्वल टू लेट से जो मेरी वैल्यूज हैं, है ना, x इक्वल टू हमारा वैल्यू आपका है 0 to 5, लेट हमने लेट कर लिया कि 0 to 5 हमारा डेटा है, 0 to 5, ठीक है। अब आप क्या करते थे, x इक्वल टू 0 colon जो भी आपने डेटा लिया वो वाला सैम्पलिंग पार्ट समझ लो और 5, ये हमारा इसमें 0 जो है वो आपका x बिगिनिंग पार्ट है, 0.1 जो आपका x इंक्रीमेंट पार्ट है और 5 आपका x एंडिंग पार्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे, मतलब इसी आपको यहाँ पे ऐसे टाइप करना है। फर्स्ट हमारा है -5 x बिगिनिंग पार्ट, x इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं 0.1 से, देन आपका x लास्ट वाला एंडिंग पार्ट, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद फिर से y की बारी, तो -5 अगेन कॉलन 0.1 कॉलन 5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो हमारा बन गया ग्रिड, और ग्रिड जब बनाओगे तो लास्ट में जो है आपका यहां पे आपको कॉलन भी रख देना है, ठीक है, ग्रिड बन गया आपका। उसके बाद अब यहां पे x y तो आपको मिल गया, अब बारी जेड की है, तो जेड को डिफाइन करो, जेड इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास डेटा आपका है x² + y² + 1। अब यहाँ पे एक्स वाई दोनों एरे में है, ठीक है, एरे ऑपरेशन चलेगा, तो जो भी हमारे पास ऑपरेटर है उससे पहले डॉट अप लगा दो बस, ठीक है, ये हो गया और यहां भी हो गया, तो ये डेटा आपका बन गया। इसके बाद यहाँ अगेन एक सेमीकोलन और लगा देना। अब हम फाइल जो है वो रन करते हैं, ठीक है, फाइल रन करेंगे और आपका 3D ग्राफ जो है वो है रेडी। अच्छा अभी तो मैं करेक्ट रेडी बनाया है, प्लॉट लिखाई नहीं हमने भी, है ना, और ग्रेड कमांड हमारे पास है वो है आपका मैस और आपका x, y, z, ये हो गया, ठीक है, अपलोड,
ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बन गया आपका। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा, अगर आपको कलर्स जो है वो थोड़ा और डार्क करने हैं, तो आप जो सैम्पलिंग रेट जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, या सैम्पलिंग वाले पार्ट का आपका, या इंक्रीमेंट वाले पार्ट का आपका काफी इफेक्ट पड़ता है आपके डेटा पे बेसिकली, ठीक है, इस टाइप का। देखो तो ये जो है आपका 3D पार्ट हमारा है, तो इसको आपको बनाना है। सरफेस वाले के लिए ना, अभी देखो नॉर्मल जैसे हमने मैथ्स ग्रिड किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले आपका एक्स वाई और जेड तीनों गिवन होगा, तो आपको वही ग्रिड बनाओ पहले, है ना, एक्स कॉमा वाई हमारा हो गया और इक्वल टू हमारा का मैथ्स ग्रिड, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, वही कॉन्सेप्ट फिर से, एक्स इनिशियल वाला पार्ट, फिर एक्स इंक्रीमेंट पार्ट, फिर आपका एक्स एंडिंग पार्ट, तो माइनस टू हमारे पास है, माइनस टू कॉलन 0.01 हमने ले लिया, देन कॉलन टू, ये हमारा एक्स डिफाइंड हो गया। वाई की बारी है माइनस थ्री कॉलन 0.01 देन थ्री, ये वाई डिफाइंड हो गया, है ना। उसके बाद जो है फिर आपकी बारी आती है जेड को डिफाइंड करने की, तो जेड इक्वल टू एट माइनस आपका हो गया एक्स स्क्वायर, तो आपका एक्स और स्क्वायर हम बनाएंगे। अब एक और चीज वो ग्रेडिंग पार्ट में है ना, एरे में है, तो आपको डॉट अपने लिख दिया यहाँ पे, फिर से आपका माइनस नाइन, अब मल्टीप्लाई विद है ना, तो आपका हो गया डॉट मल्टीप्लाई विद वाई डॉट स्क्वायर, ये हमारा बन गया आपका जेड पार्ट, है ना। और फिर आपका हमारे पास आपका एस यू आर एफ एक्स वाई जेड, बस अब इसको रन कर दो, तो हमारा जो है वो आपको फिगर जनरेट होकर मिल जाएगा इस टाइप का फिगर, ठीक है। अब ये ब्लैक आ रहा है क्योंकि हमने सैम्पलिंग थोड़ी ज्यादा कर दी है, आप अगर जो इंक्रीमेंट और वो था उसको अगर हम थोड़ा कम कर देंगे तो जो वैल्यूज आपकी हैं वो थोड़ा और मिल जाएंगे आपको इस टाइप से, ठीक है। तो ये बनाओ आप लोग, इसको पूरा कंप्लीट करो। अब डिफरेंस अगर देखना है इन दोनों में, तो हमें क्या करते हैं, दोनों को हम रन करते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे अब देखो थोड़ा डिफरेंस ये हो जाएगा आपका, और एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट, या फिर हम ऐसा करते हैं कि मैथ्स ग्रिड में ही हम इसको दो बना देते हैं इसका, ठीक है। आप जो सरफेस वाला क्वेश्चन है वो मैथ्स ग्रिड से भी सॉल्व हो सकते हैं, डोंट वरी सर। अभी का आपको फिगर में थोड़ा अलग चाहिए, तो अरविंद भाई आवाज नहीं आ रही तेरी यार, सही से बोल। ठीक है, ये हमारा हो गया सब प्लॉट्स, और इसी के लिए हम दोबारा सब प्लॉट लिख लेते हैं।
ठीक है, और फिर हमारा हो गया आपका मैश। आप देखेंगे डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे जो आपका है फ्रेम वाला हमारा बेसिकली बनता है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो डिफरेंस दिखेगा आपको। यहाँ पे है ब्लैक, मतलब फ्रेम ब्लैक कलर का एक फ्रेम बनेगा हर एक पार्ट में, उसके अंदर हमारे कलर्स आते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे प्योर कलर आएंगे। इसमें अगर थोड़ा और आप जो है, जैसे मैं पिछला देखा था ये वाला हमने बनाया था फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको प्योरली कलर्स दिखे थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर थोड़ा और ज्यादा सैंपल कर दिया तो उसने उसको पूरा ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो ये दिख जाएगा आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसको, और इसको चेंज करके देखो आपको थोड़ा डिफरेंस जो है वो समझ आ जाएगा।